वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तो पाकिस्तान टीम क्लीन स्वीप होने के बाद न्यूज़ीलैंड की तरफ रवाना हो चुकी है, और जिसमें 5 T20 मैच खेले जाएंगे, और उसमें अब ये देखना है के ओपनिंग कौन करता है, बाबर और रिजवान क्या नीचे खेलेंगे या वही ओपनर रहने चाहिए। मेरे ख्याल से वही ओपनर रहने चाहिए, बाबर और रिजवान दोनों अच्छा खेलते हैं, लेकिन उनको कोशिश ये करनी है कि उनको अपना स्ट्राइक रेट तेज़ करना पड़ेगा। अगर वो स्ट्राइक रेट तेज़ नहीं कर रहे तो फिर इनको नीचे आ जाना चाहिए, वरना तो यही ओपनिंग अच्छी रहेगी बाबर और रिजवान की, क्योंकि उन दोनों की जोड़ी ने हमें काफ़ी सारे मैचेस जितवाए हैं। तो ये है कि वो स्लो खेलते हैं, लेकिन वो बाद में कवर करने की कोशिश करते हैं, तो उनको अभी ये चाहिए कि वो बाद में कोशिश करने के बजाय पहले से ही आप सर्कल के अंदर 50 से 60 रन बना दो, ताकि टीम के ऊपर बोझ ना हो। और वो जो भी आया प्लेयर अपनी मतलब एबिलिटी के मुताबिक खेले, तो इनको भी चाहिए कि भाई ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं खेलना चाहिए, अपना प्रॉपर गेम खेलें और साइड एक को मज़ीद अच्छा करें। तो ये वीडियो इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको आगे देखते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।